क्वेश्चन को देख लें, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर, ये भी आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में क्या अंतर है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम देखेंगे रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर उपलब्ध करवाए हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें ताकि आप सभी लोग अर्थशास्त्र विषय में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके अर्थशास्त्र विषय के हैं रुक जाना नहीं की परीक्षा के लिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाने हैं और इनके उत्तर आपको किस प्रकार से परीक्षाओं में लिखकर आना होगा। आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकेंड बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अब आपकी परीक्षाओं को भी बहुत ही कम समय बचा है। तो इसलिए आप लोग अंतिम समय में इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें क्योंकि यही ऐसे एकमात्र प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में आपको परीक्षा हॉल में पेपर में आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनका सोल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आप सभी को एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो यहाँ तक का इसका उत्तर है। वीडियो की लंबाई थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों, मगर मैंने आपको अर्थशास्त्र विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सकें। और प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को अच्छे से याद कर लेंगे। इसके कुछ पॉइंट थोड़े से बड़े जरूर हो सकते हैं मगर बाकी पॉइंट आपके बहुत ही छोटे हैं जैसे कि ये वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और व्यष्टि और समष्टि में कम से कम प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 4-5 अंतर अच्छे से याद जरूर कर लें। आपको जो सरल लगते हैं इसमें से वो वाले आप लोग याद कर सकते हो उसमें से जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण रोजगार मान्यता होती है और कीमत सिद्धांत होता है। और इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो कम से कम आप लोग इन प्रश्नों का रिविजन अच्छे से जरूर करते चले। एक ये वाला क्वेश्चन है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो पहला तत्व है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय। और इसके अलावा आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और एक पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इन प्रश्नों का भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। और ये मांग को निर्धारित करने वाले तत्व आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और धन का वितरण। और उसी के साथ साथ में ये सारे तत्व हैं जो कि मांग को निर्धारित करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को यहीं पर सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं। मांग के नियम की मान्यताएं, तो देखिएगा मांग के नियम की मान्यताएं वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा मांग के नियम के अपवाद, और इसमें से कम आप लोग गिपिन का विरोधाभास क्या है इसको आप लोग पूरा याद जरूर कर लेंगे। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, पूर्ति किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग इतना याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं के पेपर में छप चुका क्वेश्चन है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन, स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये इतना आपको याद करना होगा जहाँ पर अंडरलाइन की गई है, और इसके अलावा कुल लागत किसे कहते हैं इसको भी आपको इतना याद करना होगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, तो इसको भी आप लोग इतना याद कर लें, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर, ये भी आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में क्या अंतर है, तो आप टोटली इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ और क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे कि पूर्ति किसे कहते हैं। तो इस वाले को याद कर लेने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, पूर्ति के नियम की मान्यताएं बताइए। तो पूर्ति के नियम की मान्यताएं आप लोग यहाँ से याद कर लें।
और इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन पूर्ति के नियम को समझाइए। तो इस जगह से आप लोग पूर्ति के नियम को अच्छे से समझ लेंगे और इसके बाद में पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है तो इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है तो इस वाले क्वेश्चन का भी रिविजन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन अधिमांग किसे कहते हैं, अधिपूर्ति किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप लोग कम से कम इनको तो सभी को याद कर लें। और इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन बाजार की विशेषताएँ लिखिए तो देखिएगा बाजार की विशेषताएँ यहाँ पर लिखी गई है, आप स्वयं इनको आसानी से पढ़ के और लिख कर आ सकते हो। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाजार के स्वरूपों में एक तो आपको अति अल्पकालीन बाजार तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा और एक अल्पकालीन बाजार का इतना उत्तर हो जाएगा तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ जाएँ और एक दीर्घकालीन बाजार। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग पूर्ति की पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता याद कर लें, यहाँ से ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी से ये पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर भी याद करना है, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं तो देखिएगा अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक ये वाला क्वेश्चन का रिवीजन भी आप लोग अच्छे से कर लें, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। इस समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखी गई है, आप लोग इस जगह से इनको अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखा गया है तो यहाँ से आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं तो देखिएगा यहाँ से आप देखा जाए तो कुछ और क्वेश्चन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग राष्ट्रीय आय के अर्थ को लिख लें। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लें। और इसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें और लिख लें। इसके बाद में अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये वाला क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय आय लेखा का महत्व लिखिए तो यहाँ से आप लोग राष्ट्रीय आय लेखा के महत्व को लिख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्थिर एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय का महत्व तो यहाँ से आप लोग राष्ट्रीय आय के महत्व को लिख लें। और अगर आप डिटेल में याद करना चाहते हो तो ये डिटेल वाले पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप जैसा याद करना चाहें वैसा यहाँ से आप याद कर सकते हो। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं कहाँ, यहाँ पर अगर राष्ट्रीय आय याद करने की आय विधि की बात की जाए तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। आय विधि और एक मूल्य वृद्धि विधि बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी तो वे विधि को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में आप लोग अच्छे से अंतर याद कर लेंगे। और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर आप लोग यहाँ से देख लेंगे। और इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है तो यहाँ से आप लोग देख लें। और इसके बाद में मुद्रा की मांग किसे कहते हैं इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए तो यहाँ से आप लोग मुद्रा के कार्यों को लिख लें पूरा। और इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए तो यहाँ से आप लोग भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों को लिख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो रिजर्व बैंक के कार्यों को लिख लें कि रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं तो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। और इसके बाद में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अंतर की बात की जाए तो यहाँ से आप लोग केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अंतरों को लिख लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देखते चलें, पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन तो देखिएगा इसमें अंतर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से आप लोग इस अंतर को पूरा देख लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए तो यहाँ से आप लोग समग्र पूर्ति को अच्छे से लिख लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आप लोग इन प्रश्नों का रिविजन अच्छे से जरूर कर लें। देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन बचत प्रवृत्ति के निर्धारक तीन तत्व बताइए तो यहाँ से आप लोग लिख लें, आई है बचत की इच्छा है और इसके बाद में उच्च स्थिति की लालसा है तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। और एक ये वाला क्वेश्चन आभावी मांग के तीन कारण लिखिए तो यहाँ से आप लोग आभावी मांग के तीन कारणों को लिखिए, निर्यात मांग में गिरावट, सार्वजनिक व्यय में गिरावट और उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो उपभोग मांग में गिरावट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सबको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। और एक
कीन्स के तथा परंपरावादी सिद्धांत में आपको तुलनात्मक अध्ययन यहाँ से करना है, तो आप लोग इन दोनों के रोज़गार सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ से याद कर लेंगे। और इसके बाद में बजट वाले पार्ट में से अगर देखा जाए तो सरकारी बजट किसे कहते हैं, संतुलित बजट किसे कहते हैं, आधिक्य का बजट किसे कहते हैं, इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम बजट किसे कहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। घाटे का बजट क्या होता है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और इसके बाद में बजट की विशेषताएँ, तो यहाँ से आप लोग बजट की विशेषताओं को अच्छे से याद कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग बजट के उद्देश्य या महत्व, तो यहाँ से आप लोग बजट के उद्देश्य या महत्व को याद कर लें अच्छे से। और इसके बाद में विनिमय दर किसे कहते हैं, तो और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन से क्या आशय है, तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2023 के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें कि मैंने आप सभी को वेरी वेरी मोस्ट टाइम की प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा के पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप इस वर्ग से आपके लिए आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।